ओम श्री शक्ति रूपाय श्री राजकाल्ये नमः। ओम श्री विष्णु रूपाय श्री बृहमहर्षये नमः। भगवान ने ये सारी कायनात बनाई और इन तमाम चीजों में से सबसे ज्यादा कीमती चीज बनाई इंसान, मगर धरती पर आकर इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। उसी ने जमाने में ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर दी और कदम कदम पर खुदगर्जी मक्कारी धोखेबाजी की आंधियां चलने लगी। पर इसी दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो इन तमाम इल्जामों से दूर इस दुनिया में प्यार की दुनिया बसाकर जीता है, जिसका नाम है बिरजू, बिरजू मदारी। शादी का वादा तो तुमने मुझसे किया था। तुम चुपचाप यहां से बाहर चली जाओ, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। मेरी शादी की बातचीत पक्की होने जा रही है। मैं तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं करना चाहता। ये लो ढेर सारे रुपए और अपना ये पाप लेकर किसी दूसरे शहर चली जाओ। और अगर तुम नहीं जा सकती तो मुझे वो जगह बतला दो जहां से तुम्हें आत्महत्या करने में आसानी हो सके। अंतिम संस्कार मैं करवा दूंगा। फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी तेरी दुनिया में, मगर अपनी औलाद को छोड़ कर जाऊंगी तेरे इस घोर पाप का बदला लेगी मेरी औलाद। नारी के रूप में अभिमन्यु बनकर जिएगी और तब तक जिएगी जब तक कि तुझ जैसे कलयुग के रावण का सर्वनाश नहीं होता।
ए लड़की, ये पुण्य कमाने की जगह है, पाप धोने की नहीं। चल उठा इसे और भाग यहां से, उठा से, भाग यहां से। इंसानों के सीने में दिल लगाकर भेजता ही नहीं क्या? क्या समझा तू? इसे मैं उठाकर अपने गले का हार बना लूं? कभी नहीं। पहले ही मैं सड़क का एक हार अपने गले में लटकाए घूम रहा हूं। इसे मैं अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा। मैंने सारे जमाने की औलादों को पालने का ठेका नहीं लिया है। बहादुर बजरंगी, यह हमारा इम्तिहान ले रहा है। इसकी बातों में मत आ, मत आ इसकी बातों में। अरे बार बार मत ले इम्तिहान इस गरीब का, मत ले। इसे मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। यह तेरे बनाए हुए इंसानों का पाप है। इसे तू जानो, तेरे इंसान जाने। आजा बजेंगी। Thank you.
मदारी बिरजू का घर है जिसने बरसों की मेहनत के बाद यह छत अपने परिवार के लिए बनाई है। यह घर नहीं धरती का स्वर्ग है। इसमें रहने वाले इंसान नहीं फरिश्ते हैं। इनके बीच जमाने की कोई दीवार नहीं है। इस धरती पर इन जैसा कोई परिवार नहीं है। बोल, तूने क्या क्या लिया है? परवल 2 रुपए और ककड़ी 2 रुपए, 4 रुपए हुए। और क्या क्या है? अच्छा टमाटर 2 रुपए, टमाटर 6 2 रुपए, बैंगन हाँ, और अच्छा नारियल 2 रुपए, 10 रुपए हुए। और तो कुछ नहीं लिया ना? अच्छा पूरे 10 रुपए ला। ये ले मेरी तरफ से टमाटर खा।
सो रहे हैं? ये तो रोज रोज का नाटक है। ठहरो, अभी मैं जाके खाती हूँ। अच्छा खासा सपना देख रहा था, खराब कर दिया ना। सपने में राजा बना या भिखारी, चोर बना या सिपाही, मगर तकदीर ने तो आपको बदारी ही बनाया है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। वो अपनी उंगली पे दुनिया को नचाता है और मैं डुगडुगी बजाकर तुम लोगों को नचाकर दो वक्त की रोटी कमाता हूँ। अरे भाई चाय वाय का बंदोबस्त किया है कि नहीं? अरे बेटा डैडी को चाय पिलाओ। ला जल्दी ला। ए, ये नई नई ड्रेस कहाँ से मिलती है? अरे जिसकी रस्सी पर कोई कपड़ा सूखता है उसको पसंद आता है, ये उड़ा ले आता है। अब बातों की दुकान बंद करो डैडी और जल्दी से चलकर तमाशे की दुकान खोलो। अरे हाँ आज तो इतवार का दिन है। कदर 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 दानो मेहरबानो, एक जमाना था, जमाना था जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे और लोग झूम झूम जाते थे। गैया झूम उठती थी, झूम उठती थी। गोपियाँ नाच उठती थी, नाच उठती थी। अरे जमूरे बोल मदारी, अब मैं मुरली बजाऊं? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सारे गधे सड़क पे जमा हो जाएंगे और ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बात पते की कहे मदारी, खेल तमाशा दुनिया सारी। बात पते की कहे मदारी, खेल तमाशा दुनिया सारी। एक मदारी चार जमूरे, एक मदारी चार जमूरे, मिलजुल कर हम पांच पूरे। नाम अलग है हम सबके पर, नाम अलग है हम सबके पर, एक जान हमारी। बात पते की कहे मदारी, खेल तमाशा दुनिया सारी। डम डम बंदर नाचे छम छम छम, आह डुग डुग बाजे डम 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 बंदर नाचे छम छम छम। किसी फिल्मी हीरो से ये नहीं कुछ कम, किसी फिल्मी हीरो से ये नहीं कुछ कम। इसी के पीछे बड़ी बंदरिया कब से एक कमा। छेड़ोगे तो देगी वो गाली, गाल पे लाली, पाँव में घुंघरू, मुंह में पान सुपारी। बात पते की कहे मदारी, खेल तमाशा दुनिया सारी। बात पते की कहे मदारी, खेल तमाशा दुनिया सारी। Thank you.
कुत्ता है कुत्ते का बच्चा लेकिन इंसानों से अच्छा। ये कुत्ता कुत्ते का बच्चा लेकिन इंसानों से अच्छा। ये दुख सुख का साथी सच्चा। ये मतलब का यार नहीं, ये मतलब का यार नहीं, सच्ची अपनी यारी का बात बतेगी कहे मदारी। खेल तमाशा दुनिया सारी। कोई अपनी जगह ना छोड़े, खतरे बड़े हैं पैसे थोड़े। कोई अपनी जगह ना छोड़े, खतरे बड़े हैं पैसे थोड़े। ये लड़की रस्सी पे दौड़े। जीने की खातिर इसने की, जीने की खातिर इसने की, मरने की तैयारी आ बात बतेगी कहे मदारी। खेल तमाशा दुनिया सारी आ बात बतेगी कहे मदारी। खेल तमाशा दुनिया सारी। ऊपर वाले ने ये नोट भी क्या चीज बनाई है। नोट की हरियाली देखकर चेहरे पे लाली आ जाती है। ये ले 5 रुपए, भेलपुरी खा लेना, बजरंगी को चने खिला देना और बहादुर के लिए बिस्किट। ए भाई काय को भौंकता है, कड़की के जमाने में बिस्किट खिला रहा हूँ। जा जल्दी से चूल्हा वोला तैयार कर, मैं पेट पूजा का सामान लेकर बनवारी का पान खाकर यूं आया। ये ले। चलो जल्दी से कलकत्ता की वाम कच्ची सुपारी कत्था कम चूना ज्यादा 2 लौंग 2 इलायची और ठंडक मार के। आज धंधा बहुत गर्म हुआ लगता है। बनवारी चाचा, यहाँ इतनी भीड़ काय की है? अरे बिरजू, वहाँ आज शाम अनीता देवी का क्लासिकल डांस का प्रोग्राम है। लोग टिकट खरीद रहे हैं टिकट। मगर बिरजू बड़ी जबरदस्त क्लासिकल डांसर है। ये डांस का साइकिल पर होता है? नहीं तो क्या, हवाई जहाज पर होता है। 40 रुपए टिकट है। 40 रुपए? अरे मैं निकालता हूँ तेरी टिकट। अरे नहीं नहीं, मैं किसी का एहसान लेकर नहीं जीता। अबे हर पान के साथ एक चवन्नी दे देना, 8-10 महीने में तेरा कर्जा उतर जाएगा। चाचा इस बात में दम है, तू टिकट निकाल कर रख, मैं बच्चों को खाना खिला कर यूँ आया। अच्छा अभी तेरा पान, अभी पान चबाने का वक्त नहीं है, साइकिल डांस देखना है। ये लो खाओ। अब खाना जरा प्यार से बनाया करो, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो बेटे, जिंदगी में रोटी को कभी मत ठुकराना। मेरा बाप भी यही कहा करता था। जिस तरह से आज मैं तुम लोगों को पाल रहा हूं ना, उसी तरह उन्होंने भी मुझे पाला था। इसी तरह अगर मैं रोटी को ठुकरा देता तो शायद आज तुम लोगों को सहारा देने के काबिल ना होता। पर हम तो कुछ और ही कहना चाहते थे। क्या बोल लो बजरंगी। अबे वो उधर जाकर क्या कर रहा है? डैडी वो कह रहा है कि खाना पकाने के लिए दुल्हन लेकर आओ। क्या? हेलो, यहाँ पांचों का गुजारा मुश्किल है और छठी लगकर क्या मैं डांस डांस? ए तुम लोग खाना खा लेना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आप लोगों के सामने नृत्य कला की महान देवी वो कला पेश करने जा रही हैं जो आपके दिलों में तूफान मचा देगी। दिल थाम कर बैठिए, वो अभी आपके सामने जलवा गर होने वाली हैं। भाई साहब ये खेल कब चालू होगा?
अनीता देवी अपने चाहने वालों की खास ड्रीम गर्ल है, यानी के आपके ख्वाबों की हसीन रानी। तो आपके इंतजार को खत्म करने और खुद को आपके सामने पेश करने आ रही है भाई साहब। देखिए भाई साहब, अनीता देवी। जी हाँ, दिल थाम कर बैठिए, अनीता देवी।
कितना पैसा हुआ? 2 रुपया बाहर आना। ये लो। अच्छा हाँ बिरजू सामान लाया। हाँ अच्छा अच्छा एक चाय। हाँ एक गरम चाय ला रहे। अरे बिरजू कभी मंदारी बनके तमाशा दिखाने लगते हो, कभी हाथ गाड़ी खींचने लगते हो, ये चक्कर क्या है? ये सब जिंदगी की गाड़ी खींचने का चक्कर है सेठ। मदारी बन के डुगडुगी बजाता हूँ खुद को और अपने परिवार को रोटी खिलाने के लिए, और ये बोझ घसीटता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेठ मैं नहीं चाहता फिर से कोई बिरजू मदारी बन जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा बनाऊंगा। जल्दी लगाओ सीढ़ी।
क्या दिखाऊं? मेरा मतलब यह है कि लाइसेंस दिखा, नो एंट्री में से पास होने का गेट पास दिखा। अरे हवल्ला साहब, मैं कहां से पास दिखाऊं? मैं तो हर मैदान में फेल हूं। जिस तरह मैं फेल हूं, मैट्रिक में 10 बार 11 बार फेल होने के बाद आखिर बोर्ड ने थक कर मुझे पास कर दिया। किसी से कहना नहीं, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। हाँ। लेकिन मुझे मालूम है। हाँ। आप भी उसी तरह से पास हुए होंगे। हाँ। जिस तरह से मैं यहाँ से पास हो रहा था। हाँ। Nobody can beat me, nobody can cheat me। मैं तेरे को डिस्चार्ज कर दूंगा, चार्ज मार दूंगा, रोड चार्ज, कानून चार्ज, हुकूमत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ चार्ज। अरे हवल्ला साहब, हाँ। क्यों उस गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो? हाँ। बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। अगर आप मुझे पुलिस स्टेशन ले गए, हाँ। तो मैं वक्त पर घर पर कैसे पहुंचूंगा? हाँ। और अगर मैं वक्त पर घर पर नहीं पहुंचा, हाँ। तो भी दो बात हो सकती है। एक, हाँ। बीवी बच्चे भूखे सो जाएंगे। हाँ। दो, हाँ। या तो मुझे सड़कों पे ढूंढने निकलेंगे। हाँ। और अगर बीवी बच्चे मुझे सड़कों पे ढूंढने निकले, हाँ। तो फिर दो बात हो सकती है। खामोश। Nobody can beat me, nobody can cheat me, कोई हिलेगा नहीं। डॉग है, डॉग इलीगल है, हम लीगल है। हवला साहब, आप डरिए मत। कौन डरता है? हम डरता नहीं है। सुनिए, ये पालतू है। तो हम क्या फालतू है? इसका माफक भौंकता है। एक मिनट, आप मुझे, अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे बच्चे कहाँ है? ये मेरे बच्चे हैं। ये लोग का माँ किधर है? वेयर इज दी मदर ऑफ दिस चिल्ड्रन? शट अप। ये भौंकता इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी सो रही है। किधर सोई है तेरी मम्मी? ये पहले मैं देख लूं। आई विटनेस। झोपड़े में एक खटिया है, खटिया के ऊपर एक चादर है, चादर के ऊपर एक साड़ी है, साड़ी के अंदर एक नारी है, नारी के अंदर एक माँ है। शट अप, शी विल गेट अप।
माँ सो रही है पर मैं जाग रहा हूँ। ए मदारी, ए डुगडुगी, ये बराबर है, ये औरत ये बच्चा लोग का माँ है, पर ये तुम्हारा बीवी है क्या? इसके बाद भी आपको शक है? शक यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट। कानून ने सुना, आंखों ने देखा, कानून को सबूत चाहिए, सबूत खटिया के ऊपर लेटा हुआ है, तो फिर मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ? ओ टेक योर फायर, आई मीन टेक योर झूला। ओ आई एम आल्सो डिसमिस्ड। अरे बच्चों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, क्या संभाला है, क्या नाटक किया है। ये नाटक नहीं, असली है। क्या असली है? छोकरे। हाँ डैडी, लड़की। आप अनीता देवी, वो साइकिल पे मेरा मतलब क्लासिकल डांस करने वाली डुगडुगी वाले के घर में? अरे अरे आप मुझे देखे नहीं आता मेम साहब। अरे तकदीर ने, तकदीर की साइकिल ने क्या टर्न मारा है मेम साहब। एक जमाना था जब आपका तमाशा अपन टिकट लेकर देखता था, अरे आज तो आपको फ्री देखने को मिल जाएगा। अरे मेम साहब डरने का नहीं, जमाना बहुत खराब है, लेकिन अपन खराब आदमी नहीं है। क्या है कि मैं गली गली कुछ कुछ घूमता हूँ, मुझे हर घर का पता मालूम है। आप सिर्फ अपने घर का पता बता दो, फोन नंबर बता दो, मैं अभी आपको घर छोड़ कर आता हूँ। मेरा कोई घर नहीं। अरे रोने का नहीं, रोने का नहीं मेम साहब, रोने का नहीं। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अरे अरे मेम साहब आंसू मत बहाओ, ये मदारी देखने में बहुत कड़क है लेकिन दिल एकदम नरम है। तुम्हारे आंसुओं से पिघल कर अपन तो खलास हो जाएगा मेम साहब, रोने का नहीं। देखो मेम साहब, इस मदारी को तुम्हारी आप बीती नहीं सुननी, तुम मुसीबत में हो, तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम इधर रहो। अब बिट्टू मेरा चादर लेकर मैं बाहर सोता हूँ। लेकिन आप वही तुम हो ना? ना ना, क्यों बचाया मुझे, किस लिए बचाया? तेरी बनाई हुई किस्मत के पैरों तले रौंदने के लिए, मौत से बदतर जिंदगी जीने के लिए जवाब दे मेरे सवाल का। अगर तू मुझे घुट घुट कर तड़प तड़प कर मरता हुआ ही देखना चाहता है तो ठीक है, मैं मरूंगी नहीं, इसी मंदिर में अपना दम तोड़ दूंगी मैं। हमें माँ की बहुत जरूरत है। डैडी ने तो हमें बहुत प्यार दिया, मगर हम माँ के लिए तरसते हैं। माँ माँ रो मत माँ, किस देव की माँ ने हमें जन्म दिया वो तो हम नहीं जानते, मगर लगता है कि हमें पालने वाली यशोदा माँ तो तुम ही हो। डैडी ने हमें पाला है और वो समझते हैं हम कुछ नहीं जानते, मगर
जमाने के दानों ने तो हमें सब कुछ बता दिया है कि हम कौन सी औलाद हैं। आप डैडी को मत बताना वरना उन्हें बहुत दुख होगा। माँ अगर तुम हमारे साथ हो तो हमारा दुख कम ही नहीं खत्म भी हो सकता है। माँ हमें सड़क पर कुचल कर मत जाना माँ वरना हम मर जाएंगे हम भी मक्के रह जाएंगे। हमें सिर्फ माँ चाहिए माँ का प्यार चाहिए। चलो मम्मी तुम्हें हमारे परिवार की कसम। मेरे बच्चों अरे जल्दी कर बजरंगी। अरे अरे मेहमानों से भला कोई ऐसा काम कर रहा था दीजिए मुझे। नहीं बिरजू जिन पर एहसान किया जाता है वो मेहमान नहीं कदरदान होते हैं। अरे अनिता जी हम तो आपके कदरदान हैं आपकी कला के कदरदान। वो एक कलाकार का फर्ज था और ये एक एहसानमंद औरत का फर्ज है और अब इस घर की सारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। डैडी मम्मी ने घर संभाल लिया आप राशन घर संभालो। मम्मी मम्मी क्या बकवास कर रहा है अनिता जी बुरा मत मानिएगा बच्चा है ना दरअसल क्या है कि बचपन में इनकी माँ। अरे डैडी जल्दी जाओ वरना शक्कर खत्म हो जाएगी फिर गुड़ की चाय पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ अच्छा बिट्टू जी मम्मी ये कपड़े कहाँ सुखाते हैं? मैं बताती हूँ। चलो आओ मम्मी। कहाँ भाई? यहाँ। बाप रे बॉबी तुम्हारे डैडी काम क्या करते? काम नहीं मम्मी डैडी तो बिजनेस करते बिजनेस। बिजनेस? हाँ उछल कूद का बिजनेस करते उछल कूद का। मैं समझी नहीं हमारे डैडी सड़कों पर तमाशा दिखाते नाचते और गाते बहादुरों बजरंगी चमत्कार दिखाते हैं और फिर जो भी रुखी सुखी मिलती है वो खाते हैं। मतलब इस घर को चलाने के लिए तुम सब काम करते हो? हाँ मम्मी। कितने रुपए कमा लेते हो तुम लोग? नोट और चिल्लर मिलाकर 16-17 रुपए वही जाते होंगे। सिर्फ 16-17 रुपए में ये घर कैसे चलता है? चलता वलता नहीं है हम लोग चला लेते हैं। हाँ मम्मी भले ही हम दोनों कम खाकर सो जाते हैं मगर डैडी को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते कि हम भूखे। बोलती थी ना सबके लिए खाना पकाएगी कपड़े धोएगी बर्तन साफ करेगी कर गई ना वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी क्यों नहीं आई? हमारा इतना बड़ा परिवार है। ओह अरे इतना बड़ा घर है इतना बड़ा परिवार है काम करने के डर से भाग गई। हाँ अरे मुझे तो पहले ही मालूम था बोलती थी अनिता देवी। अरे देवी लगती है क्या? देवी आजकल जमाना बदल गया लड़कियां साड़ी पहनकर आएंगी और फ्रॉक बदल कर चली जाएंगी। अरे एकदम चोर पॉकेट मार लगती थी कैसे घुर घुर के देखती थी। अच्छा हुआ कुछ लेकर नहीं गई वरना अपना तो कड़की के जमाने आटा
मुझे मालूम था क्या आएंगे, मुझे पहले से ही मालूम था। ए कौन बोलता रे, जो लगती क्या है पकड़ मार लगती है। आजकल के जमाने में औरत हो तो आप जैसी देवी, मुझे तो पहली बार मालूम था। जब आप पहली बार आई थी ना, मुझे तो ऐसा लगा था कि औरत चली आई है। मैं आप चाय पियेंगी? नहीं पियेंगी। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं नौकरी की तलाश में गई थी। कब तक तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बोझ बनी रहूंगी? एक मिनट अनिता जी, जब तक आप इस घर में रहेंगे, बिरजू मदारी को यह एहसास नहीं दिलाना कि उसमें उसका परिवार चलाने की ताकत नहीं है। बिरजू गरीबी बर्दाश्त कर सकता है, बेइज्जती नहीं। I'm sorry, बिरजू। फिर मुझे अपने तमाशे में हाथ बटाने की इजाजत दे दो। क्या कहा मम्मी आपने? मैं तमाशे में तुम लोगों का साथ दूंगी। अरे डैडी, आपको भी कोई लड़की की जरूरत थी ना तमाशे के लिए? हाँ, क्या बोलते हो डैडी, चलेगी ना? दौड़ेगी। तो आसे प्रैक्टिस। तुम्हारा नाम बिरजू है ना? हाँ सेठ। तुमसे जरूरी काम है। मुझसे? आओ गाड़ी में बैठो। सच बताओ सेठ, मेरे घर में तो इतनी बड़ी गाड़ी का फोटो भी नहीं है। आपका बिरजू कोई और होगा। सुनो बिरजू, मैं तुम्हीं को लेने आया हूं। सेठ, कोई तमाशा करवाना है क्या? हाँ, आओ बैठो। आओ आओ अंदर आओ, आओ मेरे साथ आओ। ये देखो, आलीशान मकान, दौलत से भरा घर, देखो। समझ गया सेठ, आपके घर में भगवान की दया से बहुत सारे बच्चे हैं और आप अपने किसी एक बच्चे के जन्मदिन की खुशी में इस मदारी से तमाशा करवाना चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है बिरजू। हमारे घर में खिलौने तो बहुत हैं, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं। क्या? हाँ, वो देखो, हमारी धर्मपत्नी को। हमारी पत्नी के बिना औलाद के क्या हाल हो गया है? दौलत से भरा घर औलाद की दौलत से खाली है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं। मैं
समझा नहीं सर जी। बिरजू, हम तुम्हारी दुनिया में जीने वाली खुशी को इस घर की जिंदगी बना देना चाहते हैं। मेरी दुनिया में? हाँ, अगर तुम अपने बिट्टू को बेटा कहने का हक इस मां को दे दो। आप मेरे बिट्टू का सौदा ही बिरजू नहीं, हम तुम्हारे बिट्टू का सौदा नहीं कर रहे, हम तो अपनी पत्नी के जीने का सहारा मांग रहे हैं तुमसे। आप लोग मेरे बिट्टू को जानते हैं? हम दोनों जब तुम्हारे बिट्टू को लैंप पोस्ट के नीचे पड़ता देखते हैं, हमारी पत्नी का दिल ममता से फट पड़ता है। इसकी आंखें एक ही सवाल करती हैं, कब? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम तुम्हें यहां लेकर आए हैं। लेकिन बिरजू, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे बिट्टू को शहजादे की तरह रखेंगे। सर जी, कहीं आप इस मदारी से फुटपाथ वाला नाटक तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना सर जी, हम गरीबों का दिल बहुत नाजुक होता है, आप अमीरों की बात भरोसा बनकर हमारे दिल में बैठ जाती है। हम तुम्हारे बिट्टू को सचमुच गोद देना चाहते हैं। हाँ, एक झोपड़ी में रहने वाला मेरा बिट्टू ऐसे महल में रहने की तकदीर लेकर आया है, इतने बड़े महल में रहना क्या उसकी किस्मत में है? हाँ। अरे सेठ, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? अरे हमने तो ऐसा सपने में भी सोचा नहीं था। सेठ, आपने तो मेरे बिट्टू को जमीन से आसमान के चांद पर बिठा दिया है, वहां से तो मेरे बिट्टू को सारी दुनिया खूबसूरत नजर आएगी, कोई गम कोई दुख उसके करीब भी नहीं आएगा। हमें मंजूर है सेठ, हमें मंजूर है, आप मेरा घर तो जानते ना सेठ। हाँ। आप कब आएंगे मेरे बिट्टू को लेने के लिए? कल शाम को। नहीं, शाम नहीं, सुबह ही आ जाना, क्योंकि बिट्टू के लिए कल से तो नहीं सुबह शुरू होने वाली है। आप जरूर आना सेठ, पता नहीं सूरज निकलने के इंतजार में मेरी रात कैसे गुजरेगी। आप जरूर आना सेठ, मैं बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा, बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा। सेठ, और एक विनती है, जब मेरा बिट्टू बहुत बड़ा बन जाएगा ना, तो ये मदारी अपना परिवार लेकर उससे मिलने आएगा। आप कहना दूर जो वो मदारी खड़ा है ना, वो तेरा बाप है। नहीं, उस वक्त बाप अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा ना। आप कहना वो जो गरीब आदमी है ना, वो तेरा नौकर था, उसने तेरी परवरिश की थी, हम दूर से उसे देखकर चले जाएंगे। अरे औलाद नहीं है तो जाकर अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आए, हम अपने पिट्टू को क्यों देंगे? इसी में उसकी भलाई है अनिता जी। कैसी भलाई? मैं बिट्टू को ले जाने नहीं दूंगी। बिट्टू वहां खुश रहेगा अनिता जी, तुम समझती क्यों नहीं? वहां भी खुश है। नहीं, यहाँ की खुशी खुशी नहीं है अनिता जी, एक धोखा है, और ये वो धोखा है जो हर गरीब बच्चे में होता है। थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ा सा प्यार मिले से वो समझता है उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई, लेकिन बचपन की खुशियों के सारे कोई अपनी जिंदगी जी नहीं सकता अनिता जी। उसे बड़े स्कूल बड़े कॉलेज में पढ़ाकर हम उसे कभी बड़ा आदमी नहीं बना सकते, क्योंकि अपनी उतनी हैसियत ही नहीं है। इसीलिए तुम उसे बेच देना चाहते हो, उसका सौदा करना चाहते हो। अनिता जी, कभी कोई अपने हाथ काटकर सौदा करता है? कोई अपने कलेजे के टुकड़े को काटकर सौदा करता है? नहीं अनिता जी, लेकिन मैंने किया है अनिता जी। और तुम चाहती हो कि बिट्टू दूसरा बिरजू बन जाए, एक मदारी बनकर फुटपाथ पर लोगों के लिए तमाशा करे, लोगों के फेंके हुए पैसों का मोहताज बना रहे, भीख मांगता रहे। लेकिन बिट्टू चला जाएगा तो हम कैसे रह सकते हैं? हमें उसके बगैर रहना पड़ेगा नीता जी, रहना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
तुम तो कहती हो कि मैं सौदा कर रहा हूं। सौदा तो उसे कहते हैं अनिता जी, जिसके बदले में कुछ लिया जाता है। लेकिन इस सौदे में तो मेरा सब कुछ चला जाएगा अनिता जी, मेरा सब कुछ चला जाएगा। कल जब वो लोग उसे लेने आए, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। डेरी, आज मुझे नहलाकर नए कपड़े पहनाकर कहीं बाहर ले जा रहे हो? वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। आइए साहब, आइए आइए, चलो आइए आइए साहब। अनिता, अनिता, यही हम सेठ जी। नमस्ते। 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 देखो बेटा, हम तुम्हारी कितनी सारी चीज लेकर आए हैं। ये लो। अरे बाप, डैडी, आज तक किसी ने तमाशा देखकर भी इतनी सारी चीजें नहीं दी। हाँ बेटे, कल तक तुम्हारे पास एक गरीब बाप था जो तुम्हें ना कुछ दे सकता था, ना तुम्हारी तमन्नाओं को पूरी कर सकता था। मगर आज ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसे मां बाप दिए जो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। क्या मतलब? मतलब ये बेटे, तुम इस मिट्टी के झोपड़े से निकलकर सोने चांदी की उन दीवारों में पहुंच जाओगे जहां पहुंचने वाले की किस्मत सोने के पानी से लिखी होगी। मतलब डैडी, बिट्टू अब इस घर में नहीं रहेगा? घर बेटे, घर तो वो होता है जहां रात को सो तो सिर्फ नींद आती है, आने वाले कल को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसे डर अपने ख्वाब नहीं आते। बेटी, मिट्टू की किस्मत खुल जाएगी, वो आसमान को छुएगा। सेठ साहब इसे सब कुछ देंगे। नहीं डैडी, नहीं, हम मिट्टू भैया के बगैर नहीं रह सकते। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। बेटे, हर बाप की यही तमन्ना होती है कि उसके बच्चे हंसते खेलते खुश रहें। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मिट्टू की भलाई के लिए कर रहा हूं। मगर बिट्टू ने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर आप उसे इस तरह घर से क्यों निकाल रहे हैं? उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? सजा? अरे अरे, मैं तो इसे झोपड़े से निकालकर महल में भेज रहा हूं जहां सिर्फ राजकुमार की तकदीर वाले बच्चे होते हैं। मगर मैं तो बिरजू मदारी का बेटा हूँ डैडी, मुझे राजकुमार बनकर नहीं जीना, मुझे आपके पास आपका बेटा बनकर जीना है। बिट्टू, आज तो अगर जबान चलाएगा ना, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मारो, जान से मारो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। अपने बहादुर बजरंगी और बॉबी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप नहीं जाएगा।
बिट्टू नहीं, इस घर की आत्मा चली गई है। जी तो सभी रहे हैं, लेकिन किसी में जिंदगी बाकी नहीं है। बिरजू, बिरजू मुझे डर है कि कहीं इन आंसुओं में ये परिवार न बह जाए। उस घर में बिट्टू की जरूरत है या नहीं ये मैं नहीं जानती,
मगर इस घर को बिट्टू की उतनी ही जरूरत है जितनी रेगिस्तान में प्यासे को पानी की होती है। सारा परिवार तुझे मिलने के लिए नीचे इंतजार कर रहा है, लेकिन उन लोगों को यह सब कुछ नहीं बताना। तुम दोनों साथ आए हो, कोई खास बात है क्या? हाँ डैडी, कल रात आप बाहर सो रहे थे ना? हाँ। ठंडी में छिल रहे थे तो मम्मी ने आपको चद्दर उठाई थी तो बड़े प्यार से। तुम्हें कैसे मालूम? सिर्फ हमें नहीं, बहादुर और बजरंगी भी जानते हैं। क्या जानते हैं? यही कि मम्मी को डैडी से ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। डैडी फौरन जाकर मम्मी का हाथ पकड़ लो और कह दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और कह दो कि मेरे बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। बस बस इतना काफी है, मम्मी पिघल जाएगी। ठीक है, जाता हूँ। एक बात बताऊं? नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा बता ही देती हूँ। क्या है बता दूं? क्या बता भी दे। क्या है कि डैडी आपसे शादी करना चाहते हैं। बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं,
हाथ पकड़ने के लिए, जिंदगी भर के लिए। बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, हाथ पकड़ने के लिए, जिंदगी भर के लिए। मैं पूछता हूँ, क्या लगती है आपकी, आपकी जान पहचान वाली है, आपकी मंगेतर है, तो फिर आपके घर में क्या कर रही है? अबे ओ, ये मेरी धर्म पत्नी है। इसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग, इसकी खामोशी, चीख चीख के कह रही है कि ये मेरी धर्म पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। देखिए इसे, डैडी मम्मी को लेकर आओ ना। डैडी मम्मी के बगैर हमें नींद नहीं आती, मम्मी को लेकर आओ ना, नहीं तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। डैडी मम्मी के बगैर हमें नींद नहीं आती। तुम लोगों को पाला पोसा पड़ा क्या? लगती मम्मी तुम्हारे पास, जाओ जगह सो जाओ, मैं मार मार के पाला लाल कर दूंगा। मिल गया आपको मैन साहब, क्या मिल गया आपको? ये गरीब मदारी बिरजू बाकी ममता बाप का प्यार इन्हें सब कुछ देता रहा, हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, तो फिर आपको क्या मिल गया? इस गरीब मदारी के विश्वास को तोड़कर इन मासूम बच्चों के दिल में बसी ममता को मारकर आपको क्या मिल गया? मैन साहब, जब कोई पैदाशी अंधा होता है ना, उसे मालूम नहीं होता रोशनी होती क्या है,
लेकिन जब कोई आंख वाला अंधा होता है ना, तभी से रोशनी की कमी महसूस होती है। मेरे बच्चों के साथ यही अत्याचार हुआ है मैम साहब। अरे हम तो पहले से ही लावारिस थे, अनाथ थे, हमें तो इस तरह जिंदगी जीने की आदत पड़ गई थी, तो फिर इन बच्चों को मां की ममता देकर इन्हें प्यार की आदत डालने की क्या जरूरत थी। जब आपको मालूम था कि आपका गुजरा हुआ कल किसी पति के पल्लू से बना हुआ है, आपकी मांग किसी के सिंदूर से भरी हुई है, आपके गले में किसी का मंगलसूत्र बना है, तो फिर मेरे बच्चों के गले में यह फंदा क्यों डाला मैम साहब, क्यों डाला? अरे ये तो बच्चे हैं, इन्हें कोई खिलौना देकर छीन लेता तो रो पड़ते। अब अभी बताओ ममता का खिलौना मैं कौन से बाजार से ढूंढ लाऊं? हमने मेरे परिवार को जीते जी मार डाला मैम साहब, मेरा सब कुछ बिगड़ गया। अभी ने और सुनहरे ख्वाब मत दिखाओ मैम साहब, चलिए जाओ, आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्हें सब कुछ भुला दूंगा। मगर क्या मैं इन्हें भुला पाऊंगी? क्या मैं इनके बगैर जी सकूंगी? क्या मैं तुम्हारे बगैर? खबरदार, इन बच्चों की तरह मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। माना कि दौलत वालों की दुनिया में मैं बहुत नीचा आदमी हूं, लेकिन कभी इंसानियत की दुनिया में देखना बिरजू, तुम्हें बहुत ऊंचा नजर आएगा। बिरजू तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते, तुमने सिर्फ मेरे शादीशुदा होने की खबर सुनी है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई कहानी नहीं सुनी। मगर आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी और तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। दिनेश बाबू, जो मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त थे, अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आए। अपने बेटे अविनाश की पत्नी बनाकर उसे इस घर से ले जाऊं? ये तो क्या कह रहा है यार? देख, कहीं इनकार करके मेरी उम्मीदों को गला मत घोट दे रहा है। मेरी बेटी तेरे घर जाएगी, मतलब पराया घर थोड़ी हुआ, वो तो मेरे घर से निकलकर मेरे ही घर में जाएगी। मैंने एक बार अनिता से तो पूछ ले। अनिता, अनिता। ओम गणानंद्वा गणपतिं नमामहे, प्रियानंद्वा प्रियपतिं नमामहे, श्रीनंद्वा निपतिं नमामहे, यसो नमः मजानि गर्भदमा पलजासि गर्भदम्मा, ओम मग्ने देवता वातोदे वदा श्रीयोदे वदा चंद्रमामहे वदा। अचानक पिताजी के वकील ने आकर यह खबर दी। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बड़ी चालबाजी और बेईमानी की है। क्या? हाँ सर, उसने कुछ कागजात के बल पर जिन पर आपके दस्तखत थे कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है, और जिसकी वजह से कानून के रिकॉर्ड में आपकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सील कर दी है। मेरे पार्टनर ने उससे मेरा सब कुछ छीन लिया है, सिवाय इस मकान के मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। जो सोचा था अपने बेटे के लिए, वो अब देखकर मेरा नहीं कर सकूंगा। मुझे तो सिर्फ तेरे घर की लक्ष्मी चाहिए, तिजोरी की नहीं। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दोस्त, मुझे इस वक्त ऐसे ही सहारे की जरूरत है। चल चल। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। देखो जी, अपने दोस्त से जाकर कह दो कि दान दहेज की रस्म पूरी करे, नहीं तो अपनी बेटी को अपने घर ले जाए। मंगला, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मत छुआ मुझे। साली फूटी कोड़ी लाइने, फैक्ट्री लाइने, और मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहती है। हाय! क्या हुआ डैडी को? अब वो हमारे बीच नहीं रहे बेटी। Oh, my God.
कल्ली, मैं कहती हूँ उतार ये मंगलसूत्र, दे, उतार कहती हूँ उतार, उठ, अरे उठ, निकल जा, निकल जा मेरे घर से, नहीं माँ, निकल कहीं कहीं, यहाँ से जा, निकल जा, मैं इस घर से कहीं नहीं जा, जानलम की खट्टी में जा, जानलम की खट्टी में जा, लेकिन निकल मेरे घर से, उधर जा, अब मेरे बाबू भी नहीं रहे, ऐसा मत कर, अरे यही तो होना है, वो बुढ़ा तो मर गया, सारी जायदाद अपनी छाती पे ले गया, चल जा, निकल यहाँ से, फिर कभी अपनी सारी शक्ल मत दिखाना, फिर चले आते हैं अपने बाप का घर समझकर। अविनाश, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। अविनाश मुझे बचा लो, तुम ही सहारा दोगे तो मैं जी सकूंगी। सहारा तुझ जैसे कंगाल तो हट। लेकिन वो शराब के नशे में धुत। तुम ही बताओ बिरजू, तुम ही बताओ, क्या मैंने तुम्हें, तुम्हारे परिवार को कोई धोखा दिया? क्या मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की? क्या मैंने इन मासूमों पर अत्याचार किया? बताओ बिरजू। अगर अब भी मैं तुम्हारी नजरों में सजा की हकदार हूं तो इस घर से दूर होने की सजा से बड़ी सजा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अनिता जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप तो सचमुच सच्चाई और प्यार की मूर्त हैं। अनजाने में ना जाने आपको क्या क्या कह दिया। आप जब तक चाहें इस गरीब मदारी के घर में राजकुमारी की तरह रह सकती हैं। क्षमा कर देना। ठीक से पकड़ बैठा। अरे मंगला, देखो वकील साहब आए हैं। वकील जी नमस्ते। अरे मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे घर वकील आ गए? लो अब कोर्ट कचहरी के धक्के खाते फिरो। मंगला, ये प्रताप के वहाँ से वकील साहब आए हैं। ओ, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, पधारिए। अजी आप इनके लिए चाय वाय लेकर आइए। ये मिठाई लीजिए। मैं तो आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी? जी हाँ, सेठ जी का केस हम जीत चुके हैं। जीत गए। अब उनकी सारी मलकियत, सारी जायदाद अनीता के नाम हो जाएगी। बहुत अच्छा हुआ, बड़े बड़े झुमके बनाऊंगी। अनीता नहीं दिखाई दे रही जी। अनीता बाहर, जी अनीता बाहर गई है, घूमने गई है। क्या है ना, जवान बच्चा है, घूमने का बड़ा शौक है। अनीता को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो, ये तो बता के दो, हाथ आई हुई मिलकर जा रही है, ये तो पता नहीं कौन लोगों कुत्ते घुमा होने के पैसे की सूरत कब देखने मिलेगी। मेरे तो पैसों को छोड़ दो। मां मां मां, ओ माय गॉड, हर चीज में जल्दी। पता नहीं ये कहां होगी। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। अरे वाह, तुझे मालूम है? अरे जियो मेरे लाल, तब तो हम उसके हाथ पांव जोड़कर मना कर उसे ले आएंगे। कोशिश करेंगे, अगर वो सीधे से मांग गई तो ठीक है, नहीं तो। नहीं तो खून कर दूंगा। अच्छा अच्छा, खून। मुझे डर है मम्मी। क्या हुआ बिट्टू? डर है मम्मी। मैं तुम्हारे पास हूँ बिट्टू। मम्मी मुझे डर है, मुझे नींद नहीं आती। डर कैसा बेटे? मम्मी मैं तेरे पास हूँ ना, सो जा, सो जा। मैंने सुनूंगा। अगर नींद नहीं आती है तो मम्मी एक कहानी सुनाएगी। सुनाओ ना मम्मी। ऐसे नहीं, पहले तुम सब लेट जाओ, फिर कहानी सुनाऊंगी। बजरंगी सो जाओ, सो जाओ। चंदा की लगा के बिंदिया, मेरी गलियों
अरे अरे बेटा जरा सुनना। हाँ जी बोलिए। बेटे अनीता देवी है घर में? रेलवे स्टेशन पर, रेडियो स्टेशन पर, टीवी स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर, लेकिन हर स्टेशन पर टेंशन के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। हाँ बेटी, अच्छा हुआ जो तू आज हमें मिल गई। तुझे क्या बताऊं कि तेरे बगैर हमारा घर कितना सूना हो गया था, पुराना और दूना हो गया था। बेटी, पति का तो अपने पत्नी पर अधिकार होता ही है, और फिर पत्नी तो घर की देवी होती है। हाँ, लक्ष्मी होती है। हाँ। और उस लक्ष्मी को लक्ष्मी न लाने पर घर से निकाल दिया जाता है। उसे मनहूस, कलमुही और जन्म जली का नाम दिया जाता है। उसकी इज्जत और आबरू को अपने दोस्तों में शराब की बूंदों की तरह बांटने का सौदा किया जाता है ना? क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। चले जाओ, इससे पहले कि ये जानवर इंसानियत छोड़कर वहशीपन पर उतर आए, चले जाओ। क्या अधिकार है तुम्हें मुझे अपनी बहू कहने का, और क्या अधिकार है तुम्हें मुझे अपनी पत्नी कहने का? ना मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र। अब कौन सा रिश्ता लेकर आया हूँ यहाँ? मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। देखो बेटी, तुमने अगर मुझे और दुखी किया तो मैं रो दूंगी। तुम्हें तो रोना चाहिए माँ, क्योंकि तुमने मेरी गाय जैसी धर्म पत्नी को कितना रुलाया। देखो हमें हमारी गलतियों का एहसास है, चलो घर चलो। हम तुम्हें ले जाने का फैसला करके ही आया। मैं कहती हूँ उतार ये मंगलसूत्र, दे उतार, कहती हूँ उतार। ठीक है, मैं तुम्हें खाली हाथ जाने भी नहीं दूंगी। रुको, शायद यही रिश्ते की वो डोरी है जो तुम लोगों को यहां तक खींच कर लाई। शायद यही एक पत्नी के अभिमान और गौरव का वो सबूत है जिसे तुमने पैरों तले कुचल दिया था। शायद यही तुम्हारे हाथों से बांधा हुआ मेरे गले में वो फांसी का फंदा है जिसे तुम पति पत्नी का रिश्ता कहते हो। लेकिन जब ये मंगलसूत्र गले से निकलकर हाथ में आ जाए तो इसकी कीमत पैरों में पड़ी धूल से भी कम होती है। ये रहा तुम्हारा धूल से भरा हुआ रिश्ता, और ये रहा एक धर्मपत्नी का जवाब। क्या करें बेटा, आप कैसे समझाएं? अपने पैर से गए हाथ से रे समझ में नहीं आ। अरे अरे सत्या ना जाए। माँ, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो क्या उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? नहीं माँ, ये समस्या उंगलियों से नहीं, अनीता की गर्दन मरोड़ने से ही हल हो सकती है। और मैं मौत का तीसरा नाम, बोलो दुनिया की किताब से किसका नाम कटवाना है, किसका खून करवाना है, जल्दी बोलो। खून, खून, मेरी धर्म पत्नी का, मेरा मतलब है मेरी कमीनी पत्नी का। मतलब सिर्फ एक खून? सुना है आप एक खून के 25,000 लेते हैं, लेकिन मैं आपको 50,000 दूंगा। लगता है मामला लाखों का नहीं, करोड़ों का है। ये लो 25,000 पेशगी, बाकी का काम होने के बाद। और काम होने के बाद इसका 10 गुना देना पड़ेगा। अच्छा ये बता, उसका साया छोड़कर और कौन कौन है उसके साथ? मैं हूँ उसका? नहीं मैं नहीं हूँ, एक वकील है। उफ, फिर वकील? जाओ उसे भी टंगाने का प्रोग्राम फिट करो। गंदा है,
कितने दिन हुए साफ करके? मालूम नहीं, डैडी को तो कभी साफ करते नहीं देखा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बात है? खुशखबरी है। अरे खबर क्या है ये तो बताओ। बहुत मजेदार बात है डैडी। क्या बात है ये तो बताओ। देना। हाँ। मम्मी ने आज मम्मी का वो आया था। वो आया था क्या? अरे वही जिसको मम्मी ने अपना वो वापस कर दिया था। क्या वापस कर दिया? क्या हुआ बताओ। क्या? यही कि मम्मी ने आज अपना मंगलसूत्र अपने पति को वापस कर दिया। इसका मतलब लाइन क्लियर है। लाइन क्लियर। जाओ जाओ। ये क्या कुसर कुसर हो रहा है? कौन है? उफो, ये क्या खुसर पुजर कर रहे हो? अरे तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या कि ये लोग? क्या ये लोग? मालूम है किचन में सारे डब्बे खाली हैं। जाओ कुछ राशन पानी का इंतजाम करो। अरे मैन साहब खाली डब्बा दे दो, बाजार से मैं यूं लूटा। क्या है? डैडी आप नहीं, हम जाएंगे बाजार। क्यों? हाँ डैडी, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जाके पकड़ लो उनका हाथ। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, जाओ पकड़ लो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मेरे बच्चे तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। मैं जब सोता तुम नजर आते हो, जब खाता तुम नजर आते हो, मेरे दिल के अंदर जो है वो बुझ नहीं सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आँखों में चल गया प्यार का मंत्र मंत्र, आँखों के रास्ते से तू बस गई मेरे दिल के अंदर 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 अंदर। बिन सोचे कह दे दुआ, बस बिन सोचे कह दे दुआ, बन जा मेरे बच्चों की माँ, बन जा मेरे बच्चों की माँ। ओ ओ ओ ओ नाम
25,000 करोड़ों यहाँ पर करोड़ों रुपए का चक्कर है। लेकिन वो बची कैसे? रास्ते में कांटा है। कांटा? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उस कांटे को दूर कर दूंगा। अब हमारी गरीबी सिर्फ एक रात की मेहमान है। बहादुर मेरे बच्चे, लगता है आज की रात हमारे परिवार पर कयामत की तरह भारी है। आज तेरी बहादुरी का इम्तिहान है बेटे, जा जाकर कहीं छुप जा। लेकिन खतरे से खबरदार करने के लिए आज रात भौंकना भूलना नहीं बेटे। मैं भी इसके साथ जाऊंगा। नहीं, इसका नाम बहादुर है, इसकी बहादुरी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जा बेटे।
देख मदारी, तूने अगर वो लड़की हमारे हवाले ना की तो तू और तेरा सारा परिवार कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मैं दस तक गिनूंगा, तब तक लड़की बाहर आ जानी चाहिए। एक, बिरजू, बिरजू मुझे जाने दो। तुम चार जिंदगियों की कीमत मेरी एक जान से कहीं ज्यादा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम सब खतरे का निशान। बकवास मत करो, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और मैं इस परिवार का रखवाला। सात, आठ, दर्द है इससे दवा पाता मुझे।
उन्हें बचाने का बस एक ही तरीका है, उनके दिमाग का मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, कम से कम 75,000 रुपए। इतने ढेर सारे रुपए तो हम अपने पूरे परिवार का खून बेचकर भी नहीं ला सकते। बेन, आई एम सॉरी, ऐसी हालत में उनको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये आप क्या कह रही हैं अनिता जी? अपने बिरजू की जिंदगी बचाना। लेकिन टिकट बेचने में भी तो वक्त लगेगा। टिकट बेचने का जिम्मा मैं लेती हूँ, मेरा परिवार लेता है, हम सारे टिकट बेच देंगे, मगर आप सिर्फ शो का इंतजाम करवा दीजिएगा। टिकट बेचने के लिए हम अपनी जिंदगी भी बेच देंगे। हम टिकट बेचेंगे। देवी का ये शो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, और अगर होगा तो आज उसकी मौत का शो होगा। आइए। हालत में नाचना तो क्या, उठना भी खतरनाक है। जाओ जाकर अनाउंस करो कि ये शो नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े दुख की बात है, अनिता जी के साथ कुछ अनहोनी हो जाने की वजह से आज का ये शो नहीं हो पाएगा। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काउंटर पे जाकर टिकट के पैसे वापस ले लीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं दर्शकों, नहीं, आप लोग मत जाइए, मैं अनिता बोल रही हूँ, शो होगा, जरूर होगा।
ये लो पैसे, फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दो। सारी दौलत को अपनी तकदीर की लकीरों में बांधने के लिए मैंने तुम्हें रस्सियों से बंधवाया है। छोड़ दो मुझे। लेकिन चिंता मत करो, डरो मत, कुछ ही देर में तुम इस कैद से आजाद हो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी भी आजाद हो जाएगी। नहीं। अरे किस्मत वाली हो धर्म पत्नी की सुहागन मर रही हो। अरे भाई हर सुहागन का सपना होता है कि अपने पति से पहले लुढ़क जाए, ताकि उसे सफेद सफेद जोड़ा पहनने का मौका ही ना मिले। नहीं, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सफेद जोड़े तक पहुंचाने के लिए मैंने एक नाग और नागिन का जोड़ा तोड़ दिया। छोड़ दे मुझे। नागमा, जिस तरह से अभी तू मरने वाली है
उसी तरह से इस नाग की नागिन मर चुकी है और ये नाग बहुत गुस्से में है। He's very angry. ये अपने जहर की आग तेरे शरीर में ऐसे फूकेगा कि तू ठंडी पड़ जाएगी और तेरी जायदाद और दौलत से मेरी तिजोरी गर्म हो जाएगी। चल मेरी धर्म पत्नी, अब सती होने के लिए तैयार हो, get ready. इसको छोड़ दिया जाए। जल्दी जल्दी चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। ये साला मदारी का है। अरे ये तो हमारी लंका को आग लगा रहा है, पकड़ो इसे, मारो, पकड़ो चलो मारो, शाबाश बहादुर। बस तुम्हारा तमाशा खलास, अब फिर जो मदारी का कार्यक्रम शुरू होगा। नहीं, दो चार हफ्ते में तूने मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। नहीं, अब ये मदारी तुझे ऐसे बिखरेगा, तेरे अंग के इतने टुकड़े करेगा नहीं कि भगवान भी जमा करते करते परेशान हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ मदारी, छोड़ जाओ उसे, वरना दोनों बच्चों को ध्यान से मार डालूंगा। मदारे, सुना तेरी खोपड़ी में बहुत गहरे जख्म है, अब मैं इन जख्मों पर चोटों की मरहम लगाऊंगा, ऐसी मरहम चोट तेरे शरीर की रगों में दर्द की आवाज बन जाएगी। वाह, क्या परिवार है, हर दिन बच्चों का दिल का दर्द है, इनके दिल का दर्द जानवरों के आंसू है, इन सबकी तरह मेरी धर्म पत्नी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग है और आज ये पति दंग है, आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा कुत्ते, चल मारे। नहीं।
मेरी बारी है। रुक जाओ, रुक जाओ अविनाश, छोड़ दो इन्हें। तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, इन्हें क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इन्हें, मत मारो अविनाश, मत मारो। के लिए रो रहे हैं? नहीं, नहीं, तुम इन्हें नहीं मार सकते। छोड़ मुझे, तू कलयुग का रावण है तो दुनिया फिर से एक बार रामायण दोहराएगी। बच्चन जी, इसे छोड़ना मत, ये हमारे परिवार का दुश्मन है। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बात पते की कहे मदारी, खेल तमाम